हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने मिलकर के एक रिपोर्ट और बुकलेट यहाँ पर प्रकाशित की है, चाइल्ड लेबर्स ग्लोबल एस्टीमेट 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड। कोविड-19 प्लस जनरल परस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो चाइल्ड लेबर की क्या सिचुएशन दुनिया भर में चल रही है, उसके लिए पीटी के हिसाब से प्लस मेंस के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके सामने ये आने वाली है। ओके, तो चाइल्ड लेबर के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, पर्सपेक्टिव क्या चल रहा है, उस सब के ऊपर यहाँ पर आपको एक जनरल ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा। मैगजीन में बहुत सारे पेजेस थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल करके यहाँ पर मैं लाया हूँ। ओके, तो देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स पीटी के हिसाब से काम के होते हैं और मेंस के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड लेबर की एक डेफिनेशन आपको पता होगी, आपके दिमाग में होगी कि मुझे किस तरीके से लिखना है, बट एक फॉर्मल डेफिनेशन के रूप में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। चाइल्ड लेबर के अंदर वो वर्क आते हैं जो बच्चे नहीं कर सकते, वो उनके लिए अभी बहुत छोटे हैं, वो उनकी फिजिकल हेल्थ को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं और साथ ही उनकी मेंटल हेल्थ को और द मॉरल्स को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। ओके, तो ये एक डेफिनेशन हो गई। अगर आप देखें तो मोर टेक्निकल टर्म्स में अगर आप देखें तो चाइल्ड लेबर के अंदर सारे वर्क्स आ जाते हैं, सिर्फ दो तरह के वर्क्स को छोड़ करके। कौन से दो तरह के वर्क्स? पहले लाइट वर्क्स, ठीक है, मतलब एज रेंज के हिसाब से 9 से 11 साल का बच्चा क्या कर सकता है, 11 से 15 का क्या कर सकता है और 15 से 18 का बच्चा क्या कर सकता है, उसके हिसाब से लाइट वर्क्स डिसाइड किए जाते हैं, वो बच्चा कर सकता है, उसके ऊपर कोई मनादी नहीं है। बहुत ही हल्के काम होते हैं, बर्तन मांजना घर के नहीं है, याद रखना, इससे भी हल्के काम आते हैं। ओके, तो और एक तो ये हो गया, ये एग्जेम्पशन है, ये चाइल्ड लेबर के अंदर नहीं आता। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो दूसरा मिलेगा आपको हजार्डस वर्क्स की, जो एंड द वर्क डेट इज़ नॉट क्लासिफाइड एज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द चाइल्ड लेबर। हजार्डस वर्क्स नहीं होने चाहिए, इनको भी इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑलराइट, तो दो एक्सेप्शन आपको यहाँ पर पता लगे कि चाइल्ड लेबर के अंदर कौन से काम नहीं आते, पहला लाइट वर्क्स और दूसरा हजार्डस वर्क नहीं होने चाहिए। अब उसके अंदर क्या आते हैं तो वो आपका ये ILO की रिपोर्ट के अंदर बहुत कुछ दिया गया था, बट जनरल आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके की चीज़ें आनी चाहिए। ऑलराइट, तो उसके बाद हम चलते हैं ट्रेंड्स के ऊपर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बताया गया है परसेंटेज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 17 ईयर्स इन चाइल्ड लेबर एंड हजार्डस वर्क। कहने का मतलब ये है, आप देखिए कि किस तरीके से सन 2000 से लेकर के ग्लोबल ट्रेंड कम हुए हैं। चाइल्ड लेबर की बात कर रहा हूँ ये मैं, चाइल्ड लेबर के ट्रेंड कम हुए, लेकिन आप देखें तो 2016 और 2020 में चाइल्ड लेबर के ट्रेंड में बिल्कुल भी कमी नहीं आई, यानी कि हमने 4 सालों में चाइल्ड लेबर को बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं किया है, याद रखिए, ठीक है। ये जो डार्क रेड कलर का ग्राफ है ये दिखाता है हजार्डस वर्क में, तो चाइल्ड लेबर हो गया और चाइल्ड लेबर इन द हजार्डस वर्क वो अलग चीज़ हो गई। तो अगर आप हजार्डस वर्क में देखें तो उसको भी हमने कम किया, लेकिन 2016 से कोई प्रोग्रेस नहीं देखी और उल्टा यहाँ पर आप देखें तो 4.6 से 4.7 हो गया, तो दिक्कत यहाँ पर है। 4 सालों में एक तो कुछ किया नहीं, ऊपर से हजार्डस वर्क भी यहाँ पर आप देखें तो उसमें भी संख्या बढ़ गई है, आप देखें तो 7 मिलियन चिल्ड्रन यहाँ पर बढ़ चुके हैं, डेट इज़ वेरी ह्यूज नंबर। ओके, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर देख करके चलना है कि क्या चल रहा है। दूसरी चीज़ ये डाटा याद रखिएगा कि 160 चिल्ड्रन आर एंगेज इन चाइल्ड लेबर वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इतना डाटा कम से कम याद रखिए यार, ठीक है, इतना तो रखना पड़ेगा। उसके बाद इन 160 मिलियन में से 79 ऐसे हैं जो कि हजार्डस वर्क के अंदर हैं, तो 160 ओवरऑल आ गया और 79 उसके अंदर आपका बैंड डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर आ गया। तो हजार्डस वर्क के अंदर 79 याद रखिए और ये 160, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीटी के हिसाब से चाइल्ड लेबर इज़ मोर प्रिवलेंट एमंग बॉयज़ देन गर्ल्स एट एवरी स्टेज। जनरली क्या होता है, जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो गर्ल्स को बैकफुट पर लेकर के चलते हैं, आपने देखा होगा हर सिनेरियो के अंदर, यहाँ पर उल्टा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर पेपर में स्टेटमेंट आ गया, आपको लगेगा हाँ गर्ल्स ही होनी चाहिए, नहीं, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि बॉयज़ यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो 5 से 11 साल में देख लो, चाहे 12 से 14 साल में देख लो, चाहे 15 से 17 साल में देख लो, या फिर 5 से 17 साल टोटल ही देख लो आप, तो बॉयज़ आपको मिलेंगे टोटल चाइल्ड लेबर का 11.2% आपको यहाँ पर बॉयज़ हैं, और साथ ही आपको मिल जाएंगी गर्ल्स जो कि 7.8% है। तो बॉयज़ जो हैं आप देखिए मोर प्रेवलेंट हैं एमंग द बॉयज़, तो चाइल्ड लेबर ज़्यादा है बॉयज़ के अराउंड। ओके, इस चीज़ को याद रखिए। दूसरा अगर हम देखें तो एक पॉइंट ये है कि चाइल्ड लेबर हैज़ डिक्लाइंड फास्टर एमंग गर्ल्स देन बॉयज़, तो यहाँ पर आप देखिए कि डिक्लाइन जो हुआ है वो डिक्लाइन गर्ल्स के केसेस में ज़्यादा हुआ है, चाइल्ड लेबर गर्ल्स के केसेस में बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हमने यहाँ पर की है, इसी वजह से ये वाला सिनेरियो आपको देखने के लिए मिला कि बॉयज़ में रह गया है। ओके, तो इसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। ये ग्राफ यहाँ पर दिखाता है कि किस तरीके से गर्ल्स का जो ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से नीचे गया है, जबकि बॉयज़ का उतनी आसानी से नहीं जा पाया है। ओके,
उसके बाद देखें तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिर्फ इतना ही देखें। सब सहारन अफ्रीका स्टैंड आउट द आउट एज द रीज़न विद हाईएस्ट प्रिवलेंस एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज चाइल्ड लेबर। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? सब सहारन रीजन में, जो आपके सोमालिया वगैरह वाली रीजन है, इन सब में पाए जाते हैं। तो 23.9% ऑफ द चाइल्ड लेबर्स इन द वर्ल्ड वाइड फाउंड इन सब सहारन अफ्रीकन रीजन, याद रखिएगा इसको। ओके, उसके बाद ये देखिए आप, जितने भी चाइल्ड लेबर वाले बच्चे हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चे अपनी ही फैमिली यूनिट के अंदर एज अ चाइल्ड लेबर वर्क करते हैं। ओके, तो लगभग 72.1% कंट्रीब्यूट करते हैं एज अ फैमिली वर्कर्स। ओके, तो फैमिली वर्कर्स में अंदर कई चीज़ें आ जाती हैं। एक कोई फैमिली आपका जो कुटीर उद्योग चला रही हो, ठीक है, या फिर आप समझिए कि बच्चों से बर्तन मंजवाना भी एक तरीके का चाइल्ड लेबर है। उसके लिए एक उम्र होती है, ठीक है, उसके लिए एक उम्र होती है। सफाई करवाना ये भी चाइल्ड लेबर है। ओके, तो ये आप समझिए इस चीज़ को। दूसरा, अगर आप देखें तो इतना ही डाटा याद रखिए कि 72% सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ऑन फैमिली वर्कर्स के रूप में। ओके, ये पॉइंट देखिए आप, द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ चाइल्ड लेबर वर्ल्ड वाइड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है 70%। उसके बाद आता है आपका सर्विस सेक्टर, और उसके बाद आपका आता है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा रही, यहाँ पर एग्रीकल्चर में ज़्यादा आपके चाइल्ड लेबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला पॉइंट ये याद रखना कि चाइल्ड लेबर रूरल एरिया में ज़्यादा है, अर्बन एरिया में कम है। तो ये जो ग्राफ है ये आपको देखने के लिए मिलेगा, टोटल वाले को देखिए यहाँ पर। तो रूरल एरिया में आपको मिलेगा 13.9 एंड अर्बन एरिया में भी मिल जाएगा आपको बहुत ही कम। तो ये गैप आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ऑलराइट, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपसे पूछ सकता है कि अर्बन में ज़्यादा है, रूरल में ज़्यादा है। ओके, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और आपको ये साथ में मिलेगा कि मैक्सिमम जो चाइल्ड लेबर है वो लो इनकम कंट्रीज़ के अंदर मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, ये तो लिख भी रहा है, नॉट सरप्राइजिंगली। ओके, तो लो इनकम कंट्रीज़ के अंदर लगभग 26% तक मिलता है। डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट समझिए कि लो इनकम कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा चाइल्ड लेबर है। उसके बाद देखें, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल नंबर 8, उसका जो नाम है वो ये है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट नंबर 8 का पॉइंट अगर 7 नंबर पढ़ें आप, तो उसके अंदर लिखा है कि हमें इफेक्टिव मीजर्स लेने हैं टू इरेडिकेट फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, मॉडर्न स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, एंड हमें करना है प्रोहिबिशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर की हर एक वर्स्ट फॉर्म को हमें यहाँ पर मिटाना है। उसके बाद आप देखें, रिक्रूटमेंट एंड यूज़ ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स एंड बाई 2025 चाइल्ड लेबर इन ऑल इट्स फॉर्म हमें यहाँ पर मिटाना है। ऑलराइट, तो रिक्रूटमेंट भी नहीं होनी चाहिए चाइल्ड सोल्जर्स के रूप में भी। ओके, तो आपने अफ्रीका वगैरह में देखा होगा बच्चों के पास भी बंदूक होती हैं। ओके, 2025 तक इन सब चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म करना है, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ इनको कहा जाता है। ओके, ये देखिए आप, विदाउट एक्सीलरेटेड एक्शन क्लोज टू 140 मिलियन चिल्ड्रन विल बी इन चाइल्ड लेबर इन 2025 एंड 125। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर आप एज अ टोटल देखें तो अगर हमने सही से एक्शन नहीं लिए, बहुत तेज़ी से एक्शन नहीं लिए, तो 2025 तक 140 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर को झेल रहे होंगे, और 2030 तक 125। नंबर तो कम होगा इनके हिसाब से, बट इतनी तेज़ी से कम नहीं होगा। इस समय कितना है? 160, ठीक है। तो ये डाटा तो आपको याद रखना है, 160 वाला। ऑलराइट, उसके बाद देखें आप, मीटिंग ऑफ एसडीजी टारगेट। अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 8वां पॉइंट और उसके अंदर भी 7वां सब पॉइंट यहाँ पर पूरा करना है, तो हमें सब्सटेंशियल एक्सेलरेशन करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि ये देखिए आप, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा, ये दो डाटा मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए। ये पहला डाटा है जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इस टाइम, और ये जो दूसरा डाटा है ये है अगर अगर चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना है तो किस तरीके से कितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो गैप देखिए आप कितना ज़्यादा है, मतलब हम यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट सा वर्क कर रहे हैं, और जबकि हमें वर्क करना है इतना ज़्यादा। तो बात को बस आपको इतना ही समझना था, ये मेरा तरीका, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा, द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्ड लेबर इज सिमिलर अक्रॉस द एज ग्रुप। तो आपसे पूछ सकता है कि 5 से 11 में ज़्यादा है? नहीं, सभी एज ग्रुप में लगभग सेम है, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखें। और लगभग का मतलब सिमिलर ही समझिए, 9.3, 9.5, 9.7, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ओके, तो ये सभी एज ग्रुप्स के बीच में समान है। अगला पॉइंट अगर आप यहाँ पर देखें तो चाइल्ड लेबर बहुत ही तेज़ी से स्टेडली डिक्लाइन हुआ है 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए,
ठीक, अब 12 साल से ऊपर के बच्चों का ग्राफ देखें तो ये वाला जो डाटा है ये 12 साल से ऊपर के बच्चों का है। तो ये देखिए अब ये ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे आया है कंपेयर टू दिस ग्राफ। ओके, कंपेयर टू दिस ग्राफ, ये ग्राफ लगभग अगर आप लाइन खींच दें तो लगभग सिमिलर है, लेकिन ऊपर वाले ग्राफ में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई, घटोती हुई है। कहने का मतलब यह है कि 12 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं वो उनके अंदर चाइल्ड लेबर बहुत तेज़ी से कम हुआ है। उसके बाद आपको ये भी थोड़ा सा देख लेना है कि 1 मिलियन चिल्ड्रंस आर एंगेज इन फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वर्क डेट कॉन्स्टिट्यूट द चाइल्ड लेबर। तो मैंने आपको ये बता चुका हूँ वैसे कि जो आपका डोमेस्टिक वर्क है उसके अंदर ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो गर्ल्स का देख सकते हो आप 4.4 मिलियन डोमेस्टिक वर्क्स में हैं और बॉयज़ के अंदर 2.8 मिलियन। तो डोमेस्टिक वर्क के अंदर अगर हम चाइल्ड लेबर को देखें तो आपको गर्ल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। उसके बाद आप देखें तो 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। दुनिया में जितने भी चाइल्ड लेबर हैं उनमें से हर 3 में से एक बच्चा पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ स्कूल है। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद आप देखें इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 क्या पड़ा बच्चों के ऊपर। तो मैं आपको दूसरी तरीके से समझाता हूँ, ये देखें कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसको यहाँ पर दिखाने की बात मैं करता हूँ। अगर मिटिगेशन मेजर्स नहीं लिए गए, आप समझिए कि इस समय कितना है चाइल्ड लेबर की संख्या, तो आपको मिलेगा 160 मिलियन। अगर हमने कोई भी सोशल प्रोटेक्शन कवरेज नहीं दिया कोविड-19 के बाद तो ये संख्या बढ़कर के हो जाएगी 206 मिलियन, याद रखिए, ठीक है। तो यानी सिनेरियो और वर्स्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर पॉवर्टी और बढ़ी, इस समय तो बढ़ी गई, उसके बाद अगर और बढ़ी एंड एब्सेंस ऑफ एडिशनल मिटिगेशन मेजर्स नहीं दिए तो हमारा यहाँ पर 168 मिलियन बढ़ेगा, ओके। और अगर हमने सोशल प्रोटेक्शन कवरेज दे दिया तो यहाँ पर आपके ट्रेंड्स घटते हुए दिखाई देंगे। बात समझ में आई मेरी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इस समय 160 है, अगर मीजर्स नहीं लिए तो ये ट्रेंड वर्स्ट हो जाएगा और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, मीजर्स लिए तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। और राइट, उसके बाद ए रोड फॉरवर्ड, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम? हम देखिए इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं, आप आराम से समझ में आ जाएंगे सिर्फ पॉइंट्स के जरिए। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी रोड मैप लॉन्च करना होगा। हमें पता चल गया कि 160 मिलियन यहाँ पर चिल्ड्रन हैं चाइल्ड लेबर के रूप में, हमें पता है कि सब सहारन रीजन में सबसे ज़्यादा हैं, वहाँ पर टारगेट करना पड़ेगा। दूसरा, मेक सोशल प्रोटेक्शन यूनिवर्सल, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वगैरह का यूज़ करके सेफ गार्ड एंड एडवांस चिल्ड्रन एजुकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। रजिस्टर्ड चाइल्ड एवरी चाइल्ड एट बर्थ, तो बर्थ के टाइम पर ही चाइल्ड को रजिस्टर कर दो ताकि उसका डाटा हमारे पास रहे, आगे चल करके वो चाइल्ड लेबर में ना जाए। एंड जेंडर नॉर्म्स एंड डिस्क्रिमिनेशन, इनको ख़त्म करना है। ओरिएंट चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम अराउंड प्रिवेंशन एंड रेस्पॉन्स। एक्सपेंड डिसेंट वर्क एंड एक्सेलरेट द ट्रांजिशन टू फॉर्मेलिटी। इम्प्रूव रूलर लाइवलीहुड, आपको पता है रूलर इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो रूलर लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना पड़ेगा। रिड्यूस हाइटेंड रिस्क ऑफ चाइल्ड लेबर इन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सप्लाई चैन। तो वो ये भी सिंपल पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस चाइल्ड लेबर इन कन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर्स एंड अदर क्राइसिस। कहने का मतलब ये है जैसे इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो उसमें जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा दूर रखना चाहिए एज अ चाइल्ड लेबर। उस वो मुद्दा बताने की बात हो रही है कि दुनिया में जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होते हैं, डिजास्टर्स होते हैं, उनसे हमें बच्चों को दूर रखना है, एज अ लेबर उनको यूज़ नहीं करना। एडोप्ट एडिक्वेट लीगल फ्रेमवर्क्स एंड प्रमोट कंप्लायंस। ओके, तो लीगल फ्रेमवर्क पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए हमारे पास। ओके, रियलाइज द प्रोमिस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप। दुनिया ने जो कन्वेंशंस यहाँ पर की हैं ILO के साथ, उसको यहाँ पर मान करके चलना पड़ेगा, उसका सहारा लेकर के काम कर सकते हैं। तो कितने भी पॉइंट हैं याद रख सकते हैं तो रखिए। चाइल्ड लेबर का सिनेरियो इंडिया में मिल जाएगा। दुनिया भर में 160 मिलियन है और इंडिया के अंदर सेंसस 2011 की बात कर रहे हैं तो ये 10 साल पुराना डाटा है। 10 मिलियन वर्किंग चिल्ड्रंस आपको मिल जाएंगे, तो 10 मिलियन डाटा आपको इंडिया के अंदर मिल जाएगा 160 में से। देख रहे हैं ना कितना हो गया, कितना हो गया, आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं। लगभग 7 से 8% इंडिया के अंदर मिलता है, 2011 का डाटा बता रहे हैं। अभी सिनेरियो इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है उसको हम देखेंगे जब कभी इंडिया के अंदर रिपोर्ट आएगी। यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP में सबसे ज़्यादा 55% जो आपका चाइल्ड लेबर यहाँ पर मिल जाएगा टोटल चाइल्ड लेबर का इन इंडिया। ओके, लास्ट स्लाइड है, वीडियो 15 मिनट की खिंच चुकी है। ओके, बट पॉइंट्स मैंने वही उठाए हैं जो कि बिल्कुल काम के हो सकते थे। ऑलराइट, तो इतना देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।